ये देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा गोभी का मंचूरियन कितना अमेजिंग लग रहा है। एकदम जूसी टेंडिंग लग रहा है, बहुत मज़ेदार लग रहा है। लग ही नहीं रहा है कि ये गोभी का मंचूरियन है, ऐसा लग रहा है ये चिकन मंचूरियन है। तो इस रेसिपी को पूरा एंड तक ज़रूर देखें कि इसे मैंने कैसे बनाया है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल शेफ अंजलि कुमारी। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मैं बता दूं, मैं हूं आपकी शेफ अंजलि। आज मैं गोभी से रेसिपी लेकर के आई हूं। वैसे आपने गोभी की तो सब्जियां कई तरीके की खाई होगी, लेकिन कभी गोभी मंचूरियन खाया है? नहीं ना। आज मेरा कुछ इंडो चाइनीज रेसिपी खाने का मन कर था, मैंने सोचा क्यों ना गोभी से गोभी मंचूरियन बनाया जाए, तो ये काफ़ी मज़ेदार होगा। यकीन मानिए दोस्तों, ये गोभी मंचूरियन काफ़ी टेस्टी होता, काफ़ी अमेजिंग होता। अगर आपके घर में बच्चे हैं, गेस्ट आए हैं या परिवार वाले हैं, तो उनके सामने अगर आप ये गोभी का मंचूरियन बनाते हैं तो उन्हें बहुत पसंद आएगा और ये बार बार मांग करेंगे। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो वेजिटेरियन वाले लोगों के लिए गोभी मंचूरियन सबसे बेस्ट है। तो अगर आपको मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड में शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे जो लोग नए हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसी इनोवेटिव रेसिपी आप कभी मिस ना कर सके। तो रेसिपी को भी स्टार्ट करते हैं। गोभी मंचूरियन बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी पहले उसे देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने गोभी लिया है, ये गोभी है फूल गोभी, जिसे मैंने इस तरीके से मीडियम साइज़ में मैंने काट लिया है। ना ये ज़्यादा बड़े हैं ना ज़्यादा ये छोटे हैं, ये मीडियम साइज़ के हैं और ये कम से कम 15 से 20 फूल गोभी की कलियाँ हैं। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर लिया है 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन। उसके बाद मैंने 1 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, जिसे मैंने चौकोर आकार में काट लिया है। आधी हरी शिमला मिर्च ली है, जिसे मैंने इस तरीके से चौकोर आकार में काट लिया है। फिर मैंने 2 हरी मिर्च ली है, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। फिर मैंने यहाँ पर टोमेटो सॉस लिया है 1 बड़ा चम्मच, और फिर मैंने आधी छोटी चम्मच मैंने चिली सॉस लिया है, ये ग्रीन चिली सॉस है। अगर आपके पास रेड चिली सॉस है आप उसे भी ले सकते हैं, और तीखा अपने मनपसंद से आप घटा बढ़ा सकते हैं। फिर 1 बड़ा चम्मच मैंने सोया सॉस लिया है, ये डार्क सोया सॉस है। फिर मैंने आधी छोटी चम्मच मैंने यहाँ पर विनेगर लिया है, सिरका लिया है। फिर मैंने गोभी को मैरिनेट करने के लिए यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच मैंने मैदा लिया है। फिर मैंने 1 बड़ा चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, और गोभी को क्रिस्पी करने के लिए यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच मैंने चावल का आटा लिया है। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर नमक लिया है, तेल लिया है पकाने के लिए, और सॉसेस को बनाने के लिए फिर मैंने यहाँ पर आधी छोटी चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है और पानी लिया है। तो चलिए अब गोभी मंचूरियन बनाना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैं गैस जलाऊंगी, और उसके बाद एक सॉस पैन में मैं पानी भर करके उबलने के लिए छोड़ दूंगी। यहाँ मुझे गोभी को उबालना है, तो अब इसे अच्छे से उबलने के लिए छोड़ देते हैं। जब इसमें अच्छे से उबाल आ जाएगा तब आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। पानी में अब अच्छे से उबाल आ गया, तो इसमें अब 1 बड़ा चम्मच और 1.5 चम्मच में नमक डाल दूँगी, और नमक डालने के बाद इसे अच्छे से चला दूँगी। नमक डालने का रीज़न ये होता है क्योंकि गोभी एकदम फीकी होती है, तो गोभी में नमक लाने का सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होता है। और इसको हम अब क्या करेंगे कि इसके अंदर हम गोभी के सारे पीसेस डाल देंगे, तो ये मैं सारे पीसेस डाल दे रही हूँ। गोभी को उबालने के रीज़न 2 हैं। पहला रीज़न ये है कि गोभी जब हम उबालते हैं तो उसमें जो भी कीड़े होते हैं वो निकल जाते हैं, और दूसरी चीज़ ये कि ये गोभी अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं, ताकि जब हम पकाएंगे तो पकाने के वक्त इतना टाइम नहीं लगेगा। तो ये मैंने सारे गोभी के पीसेस को डाल दिए, और इसे मैं गोभी को मैं उतना ही उबालूंगी जितना ये सॉफ्ट हो सके। तो अब इसे अच्छे से उबाल ले लूँगी। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे से उबाल लिया है, और इसको मैं काट करके दिखा रही हूँ। ये देखिए ये मतलब कटने में आसानी से कट गया है, और अगर आपने गोभी को ज़्यादा उबाल दिया तो ये काफ़ी मशी हो जाएगा, मतलब पूरा एकदम मैश हो जाएगा। तो इसीलिए इसको ज़्यादा नहीं उबालना है, इतना ही तक उबालना है कि थोड़ी सी इसमें कसर रहे और इसको पकाने में आसानी हो। तो अब इसे हम छान लेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रेनर लिया है और अब मैं इसे छान लूँगी। तो ये सारे गोभी के पीसेस को मैंने छान लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर ठंडा पानी भी डाल सकते हैं, ताकि ओवर मतलब कुक ना हो सके। तो मैं क्या करूँगी कि इसे इसी तरीके से छोड़ दूँगी पंखे के नीचे, ताकि ये अच्छे से सूख जाए। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ।
यहाँ मैंने खाली बोल लिए हैं और गोभी को मैरिनेट करने के लिए उसकी प्रिपरेशन करूँगी। तो यहाँ पे एक बड़ा चम्मच में मैदा डाल रही हूँ, फिर एक बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर, और गोभी को क्रिस्पी करने के लिए यहाँ पर एक बड़ा चम्मच चावल का आटा डाल रही हूँ, और उसके बाद थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और साथ में इसमें पानी डाल करके इसको अच्छे से एक घोल रेडी करेंगे, क्योंकि हमें गोभी को मैरिनेट करना है। तो इसका इतना ही घोल रेडी करें कि ये बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो और ज़्यादा बहुत पतला भी ना हो। तो ये मैंने घोल रेडी कर लिया, तो इसमें गोभी की पीसेस को मैं डाल दे रही हूँ और अब इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो ये देखिए मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, और अगर आपको लगे कि इसमें आपको कॉर्नफ्लोर या मैदे की कमी लग रही है तो आप इसमें एक्स्ट्रा मिला सकते हैं। मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है क्योंकि काफ़ी ये पतला लग रहा है, तो यहाँ पे मैंने एक चम्मच मैदा और एक चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है और इसे अब अच्छे से मिक्स करूँगी। तो जैसे जैसे ये गाढ़ा होता जा रहा है, ये अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा है, तो अब मैं हाथ से मिक्स कर रही हूँ। तो ये देखिए मैं किस तरीके से हाथ से मिक्स कर रही हूँ। इसको इस तरीके से मिक्स करें कि गोभी में ये आपस में अच्छे से लिपट जाए, काफ़ी एकदम से मतलब लिपटा हुआ होना चाहिए। तो ये देखिए कितना अच्छे से इसमें लिपट गया है, एक मतलब अच्छी कोटिंग आ गई है। तो ये अब हमारा मैरिनेशन रेडी है, तो इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे साइड में। फिर यहाँ पे सॉस बनाने के लिए मैंने एक खाली बॉल में आधी छोटी चम्मच में कॉर्नफ्लोर डालूँगी, उसके बाद पानी डाल करके एक इसका अच्छा घोल रेडी करूँगी। तो इसे चम्मच से अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ, और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसमें हम सॉसेस डालेंगे। तो यहाँ पे मैं चिली सॉस डाल रही हूँ, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे टोमेटो सॉस डाल रही हूँ, और उसके बाद फिर यहाँ डार्क सोया सॉस और विनेगर डाल करके अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए हमारा सॉस का घोल अब रेडी हो चुका है, तो इसे अच्छे से मिक्स करके इसे साइड कर देंगे। पर हम गैस जलाएंगे और गोभी को फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैं एक फ्राई पैन रख रही हूँ, और जैसे ही फ्राई पैन गर्म हो जाएगा तब इसमें हम तेल डालेंगे और तेल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही ये तेल गर्म हो जाएगा तब इसमें हम गोभी के पीसेस को डालेंगे। तो यहाँ हमारा तेल गर्म हो गया है, तो यहाँ पे मैं गोभी के पीसेस को डाल दे रही हूँ। ये देखिए एक एक करके गोभी के पीसेस को डालें, और ध्यान रखें कि इसको थोड़ी थोड़ी दूरी पे डालें, क्योंकि ये जब पकता है तो ये आपस में चिपकने लगता है। तो ये देखिए काफ़ी चिपकने लगा आपस में, तो इसको अब ऐसे अलट पलट करके इसको हमें पकाना है, मतलब फ्राई करना है, और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो ये देखिए कुछ देर बाद इसका कलर चेंज हो गया, और ये देखिए गोल्डन ब्राउन भी होने लगा है। तो इसी तरीके से चला चला के फ्राई कर लेंगे। तब हमारा गोभी अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो अब इसे क्या करेंगे, टिश्यू पेपर पे निकाल देंगे। ये देखिए हमने गोभी की पीसेस को फ्राई कर लिया है, तो मैं इसे टिश्यू पेपर पे निकाल दे रही हूँ। और ये देखिए कितने मज़ेदार क्रिस्पी गोभी एकदम फ्राई हुआ है हमारा, काफ़ी अच्छे से कोट में अच्छे से ये फ्राई हुआ है। तो इसी तरीके से हम दूसरे गोभी के बैच को भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। तो ये भी देखिए हमारा दूसरा बैच भी अब रेडी है, इसे भी हम टिश्यू पेपर पर निकाल देंगे। तो ये देखिए कितना मज़ेदार लग रहा है, कलर में भी कितना काफ़ी अच्छा लग रहा है गोभी हमारा फ्राई किया हुआ। तो अब क्या करेंगे, इसी तरीके से सारे गोभी के पीसेस को हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा सारा गोभी के पीसेस अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर फिर से मैं गैस जलाऊंगी, और उसके बाद यहाँ पे मैं कढ़ाई रख रही हूँ। यहाँ मैंने एल्युमिनियम की कढ़ाई ली है, आप चाहें तो चाइनीज़ वॉक या नॉनस्टिक की कढ़ाई ले सकते हैं। कढ़ाई को बहुत अच्छे से गर्म करें, जैसे ही कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाएगी तो इसमें तेल को घुमा के डालेंगे। इसका रीज़न ये होता है कि जब हम इंडो चाइनीज़ खाना बनाते हैं तो तेल को घुमा के डालते हैं, ताकि जब कढ़ाई बहुत अच्छे से गर्म होती है तो तेल को घुमा के डालने से तेल काफ़ी अच्छे से गर्म हो जाता है। तो ये देखिए तेल से काफ़ी अच्छा धुआं आने लगा है, यानी कि काफ़ी अच्छे से गर्म हो चुका है। तो इसमें फटाक से हम इसमें लहसुन और हरी मिर्च डाल करके अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे, और उसके बाद तुरंत फिर इसमें हम शिमला मिर्च डाल देंगे और प्याज डाल देंगे, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ध्यान रखें इंडो चाइनीज़ खाना हमेशा ये हाई फ्लेम पे बनता है, तो अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। सिर्फ इसे मिक्स करना है, इसे पूरा पकाना नहीं है, ये थोड़ा सा इसमें क्रंच रहना चाहिए, क्योंकि इंडो चाइनीज़ खाना में हमें थोड़ी क्रंची चीज़ चाहिए होती है, तो इसमें थोड़ा क्रंच रहना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, जो बनाया हुआ घोल था उसे मिक्स करके इसमें अब हम डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए काफ़ी इसको अच्छे से हम मिक्स कर रहे हैं, और ये जैसे ही मिक्स अच्छे से हो जाएगा, थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी सॉस, तो इसमें हम क्या करेंगे, गोभी के
पीसेस डाल देंगे जो हमने फ्राई किए थे। तो ये मैंने गोभी के पीसेस को डाल दिया और इसे भी अच्छे से हम टॉस कर लेंगे कुछ सेकेंड के लिए, ताकि ये गोभी में जो भी सॉसेज है अच्छे से लिपट जाए। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से लिपट गया है, तो हमारा गोभी मंचूरियन बन करके रेडी है। तो अब इसे हम सर्व करेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे सर्व किया है, ये प्लेट में कितना अच्छा लग रहा है, देखने में लग ही नहीं रहा है कि गोभी मंचूरियन है, ऐसा लग रहा है चिकन मंचूरियन है, बट ये है गोभी मंचूरियन। वेजिटेरियन लोगों के लिए तो बहुत मज़ेदार है। तो मैं इसके पीसेस को उठा करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं और कितने मज़ेदार जूसी टेंडिंग लग रहा है, काफ़ी माउथ वाटरिंग डिश लग रहा है। आपको मेरी गोभी मंचूरियन की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। वीडियो बहुत अच्छा लगा, रेसिपी बहुत अच्छी लगी, तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे जो लोग नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी हेल्दी, स्टे ट्यून्ड।